आप हैं श्री पदमचंद गुप्ता जी, फर्म राजलक्ष्मी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आप शेयर की ट्रेडिंग का व्यवसाय करते हैं। आप सन 1985 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। आप सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आपके समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, काफ़ी समय से मेरा दुकान दुकान जाकर के व्यापारी भाइयों का सम्मान करने का एक जुनून से चल रहा है, अभियान चल रहा है, साक्षात कर रहा हूँ। इससे मुझे आज ऐसे व्यक्ति से साक्षात करने का मौका मिल रहा है, उनका साक्षात करके मुझे इतना गौरव महसूस हो रहा है। वो व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति, व्यापारिक व्यक्ति, मिलनसार, हंसमुख, जितना ही उसके उनके बारे में कहा जाए सब कम पड़ जाता है। वह व्यक्ति है राजलक्ष्मी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर, मालिक और अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए श्री पदमचंद जी गुप्ता साहब से साक्षात कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। उनका किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कब दिल्ली आए हैं और कैसा मेरे साथ रहा है, ये हूबरू आपके सामने करा रहा हूँ। और आप भी सुन करके आपको अच्छा लगेगा, इनके व्यक्ति का विचार, भावना और भाव। आदरणीय पद्मचंद जी साहब नमस्कार। नमस्कार, और कैसे बाबू जी? आज आपसे साक्षात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ही व्यापारी भाइयों को और समाज के, आप तो समाज से जुड़े और व्यापार से जुड़े हुए हैं दोनों के, आपके आप कब दिल्ली पधारे और क्या क्या आपका रहा, थोड़ा समाज और व्यापार को देने की कृपा करें। ऐसा है हनुमान प्रसाद जी, मैं 1985 में यहाँ आया दिल्ली, और 85 में सूरजमल सिबदयाल के सिबदयाल जी के साथ में दाल मिल का काम शुरू किया। ये सब काम चलता रहा, और यहाँ मैंने कब काम शुरू किया है, 2004 में यहाँ शुरू कर दिया, वो काम चला आ रहा है। और अभी समाज को जो जुड़ने का है वो कैसे, क्या? समाज में कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो होता है वो कर लेते हैं। ये लॉयंस क्लब से बहुत कुछ किया आपके लिए, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लॉयंस क्लब हॉस्पिटल है और बता रही स्कूल कौन सा चल रहा है जिसमें आपका पूरा योगदान है, और आप कह रहे हो छोटा मोटा कर लेते हैं। हाँ, तो वो कोई ऐसा योगदान नहीं है, मामूली योगदान है। भारत लोक शिक्षा परिषद का स्कूल है, उनमें थोड़ा बहुत योगदान है, एकल विद्यालय, और ये जो है लॉयंस क्लब में है। ये लॉयंस क्लब कहाँ पर है? लॉयंस क्लब ऑल इंडिया का ही है, इसमें दिल्ली के हम मेंबर हैं। नहीं, जो बख्तावरपुर में जहाँ है आपका हॉस्पिटल बना हुआ है, मोजीराम आई आईस हॉस्पिटल, ऐसे है ना, मोजीराम आईस हॉस्पिटल, उसमें आप क्या है? लाइंस क्लब मोजीराम लाइंस हॉस्पिटल में हम जुड़े हुए हैं, बस एक कार्यकर्ता के रूप में। और क्या मिले, और संस्थाओं से कैसे क्या, स्कूल में कितने बच्चे बता रहे हैं आप, कितने बच्चे हैं? स्कूल में जैसे ये एकल विद्यालय के स्कूल हैं, ये काफ़ी स्कूल चलते हैं, इसमें जो है हम लोग जो है अपना जो सहयोग होता है वो कर लेते हैं। हाँ भाव जी, और क्या आपका मेरे प्रति या समाज के प्रति कोई संदेश देना चाहें? संदेश क्या है समाज के प्रति, समाज से तो हमने लिया ही है, समाज का उपयोग लेते हैं, फायदा लेते हैं, और सब ये लेते रहते हैं। और आपकी भावना कुछ? बस अब आप जो काम कर रहे हो उसको ही हम तो चाहते हैं कि ये सब लोगों में फैले, सब लोगों में इसकी जानकारी होवे और सबको इसकी जानकारी मिले। ये डिजिटल डायरेक्टरी जो असुरा देखेगा वो ठीक रहेगा? हाँ, जो देखेगा उसके लिए अच्छी, असुरा के लिए जो देखेगा आगे। मैं तो यहाँ समापन करने की ओर जा रहा हूँ, बहुत जी, आपके सामने बहुत काम किया जी। तो अब असुरा संभालेगा, उसके लिए क्या विचार है डिजिटल डायरेक्टरी में? ये जो डायरेक्टरी आप बना रहे हैं, डिजिटल डिजिटल डायरेक्टरी बना रहे हैं, वो असुरा बना रहे, मैं नहीं बना रहा। अच्छा, उसी को समर्पित कर रहा हूँ कि नाम चलता रहे, मैं सिर्फ नाम के पीछे भाग रहा हूँ। ठीक बात है, ठीक बात। उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, एक अच्छा प्रयास है,
और वो काम चलता रहेगा, एक दूसरे से जानकारी मिलती रहेगी और उसका फायदा मिलेगा एक दूसरे को। और स्वास्थ्य वगैरह कैसे भाजी? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आदरणीय व्यापारी भाइयों, सक्सेस में और अच्छे रूप में, बढ़िया रूप से इन्होंने अपना सारा जीवन का, जबकि बहुत सामाजिक काम करते हैं, कहीं भी सुबह शाम कहीं भी इनका बता दिया जाए कि पीछे नहीं रहते, हर सेवा कार्य में तैयार रहते हैं, उसके बावजूद भी जब भी मिलते हैं हर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बड़ा गौरवित महसूस कर रहा हूँ, मुझे गर्व हो रहा है। धन्यवाद भाई जी, नमस्कार, जय जिनेंद्र।